आप देख रहे हैं एच एन न्यूज़। एच एन न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है, मैं आपका होस्ट मोहम्मद अजहरुद्दीन। आइए देखते हैं आगे की तफसीलात वीडियो में। घाटी में बढ़ते आतंकवाद को देखते हुए इंटरनेशनल बॉर्डर पर बीएसएफ और पाक रेंजर्स के बीच आज सुचेतगढ़ क्षेत्र में कमांडर स्तर की बैठक हुई। बुधवार बैठक के दौरान दोनों सीमा सुरक्षा बल के कमांडरों ने सीमा संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। बीएसएफ के प्रतिनिधिमंडल ने पाक स्थित इंटरनेशनल एलिमेंट्स की घुसपैठ के प्रयासों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हथियारों नशीले पदार्थों की बरामदगी पर जोर दिया। सीमा पार से पाकिस्तानी तत्वों द्वारा इन सभी नापाक प्रयासों के संबंध में बीएसएफ कमांडर द्वारा एक बहुत मजबूत विरोध भी दर्ज कराया गया। वहीं एनआईए से मिली जानकारी से पता चला है कि दोनों देशों के बीच बैठक बेहद सकारात्मक, सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में हुई। दोनों पक्ष बेहतर समझ और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए नियमित अंतराल पर ऐसी बैठक करने के लिए सहमत हुआ। दोनों देश के कमांडरों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने के लिए सभी ऑप्स मामले को हल करने के एक बेहतर संचार बीटीडब्ल्यू फील्ड कमांडर को भी आश्वासन दिया। बता दें कि नए साल में जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी के खिलाफ सुरक्षा बलों ने अपने अभियान को तेज कर दिया है। साल 2022 के शुरुआती चार दिनों में घाटी में चार अलग अलग एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 6 मिलिटेंट्स को ढेर कर दिया। इनमें लश्कर ए तैयबा के एक टॉप कमांडर समेत दो पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल हैं। इनमें से दो मुठभेड़ श्रीनगर जिले में, उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में एक और दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में एक मुठभेड़ देखने को मिली।